दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट को कम करने के लिए दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि केंद्र सरकार की तरह ही बीजेपी भी वैट के दामों में कमी करे ताकि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। मैं इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइन पर मौजूद हूं और मेरे यहाँ ये रोड जो देख रहे हैं, ये जो रोड जाती है वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास तक जाती है। देखिए यहाँ से रोड जो जा रही है वो अरविंद सीएम केजरीवाल के आवास पर जा रही है। और देखिए यहीं पर बीजेपी द्वारा, दिल्ली प्रदेश बीजेपी द्वारा वोट लगाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से वोट लाके और सीएम केजरीवाल का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखा दें, बोर्ड में साफ दिख रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो पेट्रोल डीजल की जो टैक्स है उसको कम ना करने को लेकर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। सर, आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक चलेगा और इसकी पूरी मांग क्या है? देखिए, आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी दो दिन पहले पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम करके पूरे देश के अंदर 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल में कमी की है, जिससे देश और दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिली है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपने फर्ज को निभाया है और उन्होंने जनता की संवेदना के साथ अपना स्वर मिलाया है और पेट्रोल डीजल के दामों में उन राज्यों में वैट में कटौती की है। आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहां पर बैठे हैं धरने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर कि आप जल्दी ही मुख्यमंत्री जी वैट में कटौती करके दिल्ली की जनता को सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ता डीजल मिले, इसके लिए आप तुरंत घोषणा कीजिए। इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और हम इसको अगर 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की मांग को स्वीकार नहीं किया, दिल्ली की जनता की मांग को नहीं माना, तो हम इस जन आंदोलन को जनता तक ले जाएंगे।